रावलपिंडी वज़ीर-ए-आला पंजाब की मामने खसूसी ब्राय इत्तला'आत डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आवाम को मुश्किलात से निकालने का मिशन जारी है और इनकी क़यादत में मुल्क में माशी इक्तसादी इंकलाब बरपा करने के लिए नताइज के हामिल मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर कैसर बड़ियार की पीटीआई में शमूलियत के मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कावशों की मुतारिफ है क्योंकि वो जानते हैं कि इस मुल्क की अवाम के मसाइल इमरान खान ही हल करेंगे। फिर दोस्त आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को मुश्किल से निजात के लिए मिशन भरपूर जदोजहद के साथ जारी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर चौधरी इजाज ने इस मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियालकोट में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की माशी इंडिकेटर्स पर एतमाद दुरुस्त का इशारा है, पाकिस्तान में इस इंडिकेटर से आगे बढ़ना है। चौधरी इजाज ने कहा कि PP 83 हल्का जिला सियालकोट से कैसर बरियार PTI की तरफ से जमीनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उनके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत में मुल्की मआशियत में 15% इजाफा हुआ है जबकि सियालकोट में 30% इक्तसादी तरक्की रिकॉर्ड की गई है। अपने ख्याल का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन पर एतमाद का इजहार करते हुए इन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से सियालकोट के जमीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुंतखब किया। उन्होंने कहा कि वो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे और अवामी खिदमत के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मिशन की तकमील में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे।